असलम डियर स्टूडेंट्स माई सेल्फ नवीद अहमद आई एम हेयर टू टीच यू बायोलॉजी फॉर ग्रेट ट्वेल्व एंड वी आर डिस्कसिंगन द सेल साइकिल टू स्टूडेंट आपने एक बात समझी प्रीवियस लेक्चर में कि मेोसिस वन में एक सेल डिप्लॉड से दो हेप्लायड सेल्स बनते हैं अब ये जो दो हैप्लाइड सेल्स हैं इनसे आगे चार हैप्लायड सेल्स बनेंगे यानी कि एक सेल से दो सेल्स डेवलप होंगे ये बिल्कुल आप ऐसे ही कह सकते हैं जैसे माइटोसिस में होता है माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल से दो बनते हैं तो दो हैप्लाइड सेल से चार हैप्लाइड सेल्स बनेंगे सो माइटोसिस का ये कॉन्सेप्ट है मियोसिस 2 में देखते हैं मियोसिस 2 जो है इसमें भी ऐसा ही होता है और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इंटरकाइनासिस यानी कि इसका जो शॉर्ट सा इंटरफेज होता है मियोसिस टू का उसमें एस फेज नहीं होता क्यों नहीं होता कैसे होता है ये सब देखने के लिए समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ डियर स्टूडेंट्स वर स्टडिंग म्यूसिस वन उसमें हमने ये कहा कि ये एक डिप्लाइड सेल है इसमें क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं मेटाफेज वन में फिर एनाफेज में सेपरेशन होती है अल्टीमेटली दो हेप्लाइड सेल जो हैं वो हमारे पास बन जाते हैं दो सेपरेट गए यानी कि मियोसिस वन में हमने ये कहा कि एक सेल से एक डिप्लाइड सेल से दो हेप्लाइड सेल्स बन गए नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मियोसिस टू अब जब मियोसिस टू की बात करती हैं तो उसमें भी ऐसे ही फेजेस आते हैं लेकिन आप जानते हैं मियोसिस टू के स्टार्ट से पहले एक स्मार्ट सा इंटरफेज आता है उस इंटरफेज को हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं यानी कि जब ये मियोसिस टू कंप्लीट हो जाएगी इस मेोसिस टू के कंप्लीट होने के बाद अगेन जो है वो क्या होगा इंटरफेज एक होगा अब उस इंटरफेज की बात करें तो ये जो इंटरफेज यहाँ पे आएगा इसमें एस फेज नहीं होगा दिस इंटरफेज जिसको हम इंटरकाइनेसिस का नाम दिया दैट लैक एस फेज इसे हम इंटरफेज टू भी कह सकते हैं इसको हम इंटरफेज वन भी कह सकते हैं टू इसलिए कहा क्योंकि ये मेयोसिस टू के लिए है और इसमें एस फेज नहीं होगा एस फेज क्यों नहीं होगा वट इज़ द रीज़न और ये एक इंपॉर्टेंट एम सी भी कंसिडर होता है एस फेज क्यों नहीं है क्योंकि बेटा यहाँ पे जो हम सेल ले रहे हैं इसकी फर्दर डिविजन्स के लिए फर्दर हम इसके डिविजन के लिए जो ले रहे हैं उसमें हमने यहाँ से ही सेल आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि मेयोसिस में एक सेल एक डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉइड सेल से दो हेप्लॉइड सेल जो है वो बने हैं तो यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल आ रहा है फर्दर दो हेप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे जब ये दो हेप्लॉइड सेल्स हैं तो इनके अंदर ऑलरेडी क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड है ऑलरेडी क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड होने की वजह से हम इसे कहते हैं कि यहाँ पे एस फेज जो है वो मौजूद नहीं होगा यानी कि ऑलरेडी डुप्लीकेशन है अब यहाँ पे भी इसमें भी मेओसिस टू जो है इसको भी हमने प्रोफेज टू में डिवाइड किया हुआ है प्रोफेज टू में कट किया है प्रोफेज टू के बाद जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा मेटाफेज टू मेटाफेज टू के बाद नेक्स्ट फेज जो होगा एनाफेज फेज टू होगा एनाफेज फेज टू एना टू के बाद जो है टीलो फेज़ टू होगा

जैसे कि वहाँ पे हमने बात कर ली कि एस फेज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्रोमोसोम्स कैसे हैं डुप्लीकेटेड हैं तो लेट्स सपोज कि ये सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ये डिफरेंट सेल्स हैं मेटाफेज में थोड़े से एलॉन्गेटेड सेल हो जाते हैं एनाफेज में इसी तरह से एलॉन्गेटेड फॉर्म में होते हैं अल्टीमेटली टेलोफेज जो है इसमें एक सेल से कितने बन जाएंगे दो सेल जो हैं वो बनने के तरफ जाएंगे जिसे हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होगी और दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट रिंग जो है वो बन रहा होता है इसमें प्रॉपरली न्यूक्लियस भी जो है वो क्या हो जाते हैं अपीयर हो जाते हैं अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि एक क्रोमोसोम है जैसे कि ये वाले क्रोमोसोम्स हैं ठीक है थीके? वो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस इसका यहाँ पे ब्रोकन डाउन होगा इसका न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो वैसे रहेगा और इसमें सेंट्रोसोम्स हैं ये वाले अपोजिट पोल्स की तरफ आए हुए हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू तो मेक ये जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स माइटोटिक अप्रेटर्स बनाने में क्या होंगे इन्वॉल्व होंगे ठीक है इस तरह से तो इसी के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं अब वो जो हैं वो दो दो क्रोमोसोम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे तो हम उनमें से एक सेल लिया है जिसमें दो क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस तरह से एक क्रोमोसोम सेम एज इज एक और क्रोमोसोम मौजूद है यहां पे इस तरह से ये क्रोमोसोम एग्जिस्ट कर रहे हैं आप देखिए ये क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट में जब आते हैं तो दीज क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू तो बी ऑर्गेनाइज्ड एट द सेंटर सेंटर पे ये ऑर्गेनाइज होते हैं अब ये जो ऑर्गेनाइज होंगे दैट विल बी सिंगल सिंगल डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो है वो ऑर्गेनाइज होगा जबकि इससे पहले अगर आप देखें ना तो ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स ऑर्गेनाइज हैं लेकिन यहाँ पर ये सिंगल क्रोमोसोम्स ऑर्गेनाइज होते हैं जैसे कि यहाँ पर हम नीचे बात कर लें तो ये क्रोमोसोम्स जो है ये भी इस तरह से एक सिंगल क्रोमोसोम जो है वो ऑर्गेनाइज होगा जबकि यहाँ पे बाकी प्रोसीजर जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा कि इसमें वो सेंट्रोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इधर भी सेंट्रोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये जो है वो एक दूसरे को पुल करने में इन्वॉल्व हैं ठीक है यानी कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू तो पुल ईच अदर ये एक दूसरे को पुल करने में इन्वॉल्व होंगे तो ये बाकी जो हैं इसमें आउटवर्ड एस्ट्रो फाइबर जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एस्ट्रल फाइबर्स बाकी इसमें जो आ, पोलर फाइबर्स हैं वो एज इट इज जैसे कि दूसरों में थे माइटोसिस में तो वो भी इसी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे जो एक दूसरे के साथ लिंक करने में इन्वॉल्व होते हैं

मूव टू अपोजिट पोल्स तो ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे लाइक दिस वन क्रोमोसोमल पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा ब्रोकन डाउन हो जाएगा जब क्रोमोसोमल पार्ट ब्रोकन डाउन हो जाएगा तो इस तरह से ये एक दूसरे के अपोजिट पोल्स की तरफ इसकी जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो जाती है लाइक दिस वन ठीक है इसकी तरह क्या इनकी मोमेंट होना शुरू जाती है यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं क्रोमोसोम्स इनको ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करवाने में इन्वॉल्व होते हैं सेंट्रोमर्सोम में कनेक्टर कॉर्ड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करवाने में इन्वॉल्व हैं लाइक दिस जबकि पोलर फाइबर्स वैसे ही मौजूद होते हैं जो इसमें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेट करते हैं फर्क ये होगा कि ये

देखिए हमने कहा कि इस पेरेंट सेल में भी हैप्रॉइड है ये सेल भी हैप्रॉइड है ये सेल अब यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स बन गए हैं तो हैं तो इसमें चार क्रोमोसोम्स लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये भी हैपलाइड और ये भी न्यूक्लियस जो है वो हैप्राइड होगा एज पेरेंट में हमने बात की कि चार क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं चार क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये चार क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स हैं ईच न्यूक्लियस कंटेन टू क्रोमोसोम्स हर एक में टू तो क्रोमोसोम जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सो so, इस तरह से चार से जब दो बनेंगे तो ये हैप्लाइड डिवीजन हो जबकि यहाँ पे बात करें ना तो यहाँ पे ये हैप्लाइड है तो ओवरऑल ये सारे के सारे हैप्लाइड हैं तो म्यूसिस टू जो है दैट इज एग्जैक्ट लाइक एग्जैक्ट लाइक मेटोसिस ये जो है वो किसकी तरह की होती है माइटोसिस की तरह की होती है और इसमें दो हैप्लाइड सेल्स होते हैं दीज आर गोइंग टू मेक फोर हैप्लाइट सेल्स क्योंकि एक हैप्लाइट दो में होते हैं और दो किसमें होते हैं चार में कन्वर्ट हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पे हमने बात की एक से दो और दो से आगे कितने बनेंगे चार सेल्स बनेंगे सो ये म्योसिस टू के फेजेस भी इसी तरह से होंगे जैसे हमने यहाँ पे की बात की म्यूसिस टू जो है इसको कैरियो कैनासिस में डिवाइड किया जाता है और फिर साइटो कैनासिस में सेम इसमें भी ऐसा ही होता है पहले कैरियो कैनासिस और उसके बाद क्या होती है साइटो कैनासिस होती है सो ओवरव्यू लिया जाए यहाँ पे ओवरव्यू इसका देखा जाए तो डिप्लाइड सल से चार चार्लाइड सल जो हैं वो इसमें डेवलप हो जाते हैं जी स्टूडेंट्स आपने ये बात समझ ली कि जो इसमें शॉर्ट सा इंटरफेस है उसमें एस फेज क्यों नहीं है तो उसका आंसर क्या है बिकॉज क्रोमोसोम्स ऑलरेडी डुप्लीकेटेड होते हैं क्रोमोसोम्स में डुप्लीकेशन जो है वो पहले से ही मौजूद होती है दूसरी बात यह है कि क्या ये वाकई माइटोसिस की तरह है बिल्कुल इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं एज ऑफ पेरेंट सेल्स पेरेंट सेल्स हैप्लाइड थे तो उनमें जब मेोसिस टू होती है तो डॉटर सेल्स भी हैप्लाइड ही बनेंगे सो so ये जो हैप्लाइड से हैप्लाइड का बनना ये मेोसिस टू में हो है, और दैट इज एग्जैक्ट एज माइटोसिस ये माइटोसिस की तरह की होती है एक बात याद रखिएगा इसमें जो एनाफेज हो रहा होता है दैट इज ऑल्स मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि एनाफेज की वजह से ही क्रोमोसोम्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो इसकी वजह से म्यूटिक एरर्स आ सकते हैं म्यूटिक एरर्स कैसे आते हैं किस तरह से हैं इन तमाम को समझने के लिए और इम्पॉर्टेंस ऑफ मेोसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़